नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइक विद स्कूल बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिजनेस। कि इंडियन मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ग्लोबल इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, देन हम देखेंगे स्टॉक्स जो फोकस में रह सकते हैं न्यूज़ के चलते, देन FIIs और DIIs का डेटा देखेंगे। तो सर, कल की बात करें, जैसे मैंने बताया था निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हो और SL आपको 17,600 के लेवल्स तक आपको रखना चाहिए, और बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो क्योंकि पॉलिसी थी कल के दिन। तो देखा जाए तो कल बहुत ही अच्छी, मतलब अनचेंज रेपो रेट था, तो इसलिए बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया, 39,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा निफ्टी शॉर्ट और बैंक निफ्टी लॉन्ग, उनको प्रॉफिट ही हुआ रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर जाके ट्रेड किया बहुत देर तक, और निफ्टी की बात करें तो 17,600 के वो SL के जोन के इधर ही ट्रेड कर रहा था और क्लोजिंग भी उधर ही हुई है। तो दोस्तों, आप आज भी निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो, निफ्टी को शॉर्ट कीजिए 17,600, क्योंकि गैप डाउन हो सकता है कि SGX जो इंडिकेट कर रहा है वो 180 पॉइंट्स नीचे, 1% नीचे ट्रेड कर रहा है SGX 17,424 के लेवल्स में। अगर इनकेस फ्लैट या फिर 50-60 पॉइंट्स का भी गैप डाउन अगर होता है तो वहाँ पर भी शॉर्ट करना चाहिए। SL जोन आपका वही रहेगा 17,600 से लेकर 17,650, यही SL जोन रहेगा, यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो। जिन्होंने शॉर्ट्स को होल्ड किया है वो होल्ड कर सकते हो, और जिन्होंने भी लॉन्ग किया है वो आज के ओपनिंग में निकल के शॉर्ट कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे स्टॉक्स जो फोकस में रह सकते हैं न्यूज़ के चलते। दोस्तों, अगर न्यूज़ के चलते बात करें तो पहला Zomato। Zomato ने लॉस पोस्ट किया 63 करोड़ का, पर पहले लॉस था 352 करोड़, यानी बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ किया ये क्वार्टर में, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, और रेवेन्यू भी 609 करोड़ से बढ़कर 1,112 करोड़ में हुई है। Zomato को बाय कर सकते हो, शॉर्ट गैप अप भी ओपन हो सकता है Zomato, तो इस पर नज़र रख सकते हो इंट्राडे प्लस पोजिशनल के लिए। नेक्स्ट आता है RCF, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। द कंपनी रिपोर्टेड शार्पली हायर प्रॉफिट एट रुपीज़ 143 करोड़ एज कम्पेयर टू 98.7 करोड़। रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है, रेवेन्यू बेसिस से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज है, 3,700 करोड़ एज कम्पेयर टू 2,047 करोड़। तो RCF में भी आप नज़र रख सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा इंट्राडे प्लस पोजिशनल के लिए। देन आता है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स प्रॉफिट शॉट अप टू 300 करोड़ एज कम्पेयर टू 160 करोड़, और टाटा केमिकल्स का फ्यूचर्स भी बहुत अच्छा है। जो भी लिथियम आयन बैटरीज बनाने वाली है वो टाटा केमिकल्स ही बनाने वाली है, तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छा है टाटा केमिकल्स में, ईवी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है तो। दोस्तों, और रेवेन्यू की बात करें तो 3,141 करोड़ प्रॉफिट डिक्लेयर, रेवेन्यू डिक्लेयर किया है एज़ कम्पेयर टू 2,606 करोड़। तो ये तीन स्टॉक्स में नज़र रख सकते हो इंट्राडे प्लस पोजिशनल में, Zomato, RCF एंड टाटा केमिकल्स। अभी हम देखेंगे FIIs एंड DIIs का डेटा। दोस्तों FIIs की डेटा की बात करें तो कल के दिन FIIs ने 1,732 करोड़ की सेलिंग की थी, और DIIs ने 2,727 करोड़ की बाइंग की थी नेट नेट। दोस्तों, आज के दिन गैप डाउन इसीलिए ओपन हो सकता है क्योंकि कल पूरे डाउ, नैसडैक, सारे US मार्केट्स में वीकनेस आई थी, और वीकनेस इसीलिए आ रही है क्योंकि फेड रेट हाइक का टेंशन वॉल स्ट्रीट में है। इसीलिए जो फेड है वो रेट हाइक्स करने वाला है, अगर रेट हाइक्स करता है तो मार्केट और ज़्यादा वीक हो सकता है, तो इसीलिए वो फियर ज़्यादा है मार्केट्स में, इसीलिए वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी अगर आप लॉन्ग भी करते हो शॉर्ट भी करते हो, ठीक है, तो SL ज़रूर लगाइए एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट 100-150 पॉइंट्स का, पर फिलहाल के लिए आज गैप डाउन भी ओपन होता है 50-60 पॉइंट्स का, तो आप शॉर्ट कीजिए निफ्टी को। SL जोन आपका सेम रहेगा 17,600 से लेकर 17,700, ये रेंज में आप SL लगा कर शॉर्ट को होल्ड कर सकते हो निफ्टी के। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिजाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। वो आपको मंडे टू सैटरडे एवरी डे मिलेगा। आपको एनरोल करने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हो और एल्स कॉल कर सकते हो नंबर पर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले, थैंक यू।